नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी में होगी पढ़ाई। प्रदेश में इन जगहों पर अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। 22 लाख रुपए कैश के साथ मुजफ्फरपुर में सोना व्यापारी हुआ गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के लिए नवादा पहुंचे पीएम मोदी ने गिनवाए अपने 10 साल के काम। जॉस बटलर और संजू सैमसन के दम पर टॉप पर पहुंचा राजस्थान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश में इन जगहों पर अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। लगातार प्रदेश में चिलचिलाती धूप और चल रही उष्ण हवा के कारण लोग परेशान थे, लेकिन अब पटना सहित प्रदेश में और कई जगहों पर बादल छाए रहने के कारण बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में दक्षिण बिहार में भभुआ, रोहतास, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। 2000 नोट बदलने के मामले में पीआर बॉन्ड भरवा कर 10 लोगों को पुलिस ने छोड़ा। 2000 नोट बदलने के मामले में पीआर बॉन्ड भरवा कर 10 लोगों को पुलिस ने छोड़ा। 2000 के नोट बदलने के गोरख धंधे के मामले में 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पकड़े गए इन 14 लोगों में 10 लोगों को पीआर बॉन्ड भरवा कर थाने से छोड़ दिया गया है। वहीं 4 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। इन लोगों से आयकर विभाग, ईओयू, खुफिया विभाग और एटीएस की टीम गहनता से पूछताछ कर रही थी। हालांकि जिन लोगों को छोड़ा गया है उन्हें एजेंसियों से पूछताछ करने में सहयोग करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर पटना थाना अध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया है कि बहुत सी बातों की ऐसी जानकारी मिली है जिसे आधिकारिक तौर पर गोपनीय रखी गई है, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की बाधा सामने न आए। उन्होंने बताया कि इस मामले में नेटवर्क झारखंड, यूपी, ओडिशा, हरियाणा, कोलकाता समेत अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस होगी हाईटेक, हाथों में फाइलों की जगह टैब लेकर चलेंगे। पटना पुलिस अब पेपरलेस काम करने पर फोकस कर रही है। फिलहाल पटना पुलिस ने ई ऑफिशियल पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है। इस ऑफिशियल पोर्टल से एसपी कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय और पुलिस लाइन ई ऑफिस पोर्टल जुड़ चुका है। पटना पुलिस का लक्ष्य है कि आने वाले दिसंबर के महीने में पेपरलेस काम किया जाए और सब कुछ हाईटेक हो जाए। विभागीय पत्र को भेजने आदि का काम ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। लक्ष्य है कि साल 2024 का दिसंबर तक पुलिस हाईटेक हो जाए। बताया जाता है कि फिलहाल सीसीटीएनएस एडवांस स्टेज पर है। इसका काम पोर्टल पर एफआईआर को जारी करने के लिए किया जा रहा है। नवादा जिले से 2 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। 2 साइबर अपराधियों को नवादा जिले के पकड़ी बरावा बाजार से शनिवार की देर शाम गिरफ्तार किया गया है। इन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस एवं एसएसबी के संयुक्त छापेमारी अभियान के दौरान हुई है। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों की पहचान भी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस शुक्रवार की देर शाम एटीएम की जांच कर रही थी। उस वक्त एक युवक हेलमेट पहने और मास्क लगाकर राशि की निकासी कर रहा था, जिस पर संदेह हुआ और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के पास से कई बैंकों के 4 एटीएम कार्ड और 34,000 रुपए बरामद हुए। इसके बाद युवक से करीब पूछताछ की गई और मामला सामने आया। इन अपराधियों के पास से 27 एटीएम, एक लैपटॉप, 6 चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार हुए दोनों ही अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में लगी है। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी में होगी पढ़ाई। एमबीबीएस और एमडीएमएस की पढ़ाई बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी में करवाई जाएगी। बता दें कि इस बात का निर्णय मध्य प्रदेश की तर्ज पर लिया गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक विभाग की टीम मध्य प्रदेश जाएगी और अध्ययन करेगी कि हिंदी में सभी विषयों को कैसे पढ़ाया जाए। अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश मिले हैं कि इसी सत्र से ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी में विषयों की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में प्रयास किया जाए। 22 लाख रुपए कैश के साथ मुजफ्फरपुर में सोना व्यापारी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 22 लाख कैश के साथ मुजफ्फरपुर में सोना व्यापारी और उसके चालक को पकड़ा है। स्कॉर्पियो से सोना व्यापारी और चालक दोनों ही बेतिया से आ रहे थे। 22 लाख रुपए कैश के साथ सोना व्यापारी और चालक दोनों की पकड़ मोतीपुर थाना क्षेत्र के बर्दी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान हुई है। ये दोनों ही बेतिया के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 22 लाख रुपए कैश मिलने के कारण पुलिस ने मोतीपुर के एसबीआई शाखा में से जमा करवा दिया है। कैश अधिक मिलने के कारण इस मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है।
एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में लापरवाह शिक्षकों का मामला आया सामने। एक बार फिर से बिहार के सरकारी स्कूलों में लापरवाह शिक्षकों का मामला सामने आया है। दरअसल 17 शिक्षक विभागीय निरीक्षण के दौरान स्कूल से अनुपस्थित पाए गए हैं। ये आंकड़ा 1 से 4 अप्रैल तक का है। निरीक्षण के दौरान पता चला है कि सुपौल में सदर प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर पूर्ण रूप से बंद थे। अनुपस्थित रहे इन सभी शिक्षकों पर फिलहाल कार्रवाई के तौर पर उनके वेतन कटौती के साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दवा सप्लाई की आड़ में शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर अपना कारोबार चला रहे हैं। अब एक बार फिर से बिहार में शराब के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। शराब का ये धंधा दवा दुकान में चलाए जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक पीर बहोर थाना क्षेत्र स्थित बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड स्थित के मेडिको में दवा की सप्लाई की आड़ में अंग्रेजी शराब का धंधा हो रहा था। छापेमारी के दौरान लगभग 16 कार्टन अंग्रेजी शराब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने बरामद किए हैं। अंग्रेजी शराब के साथ साथ भारी मात्रा में नारकोटिक्स और साइक्रेटिक दवा भी पकड़ में आए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में शराब तस्कर पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से सीबीएसई के सिलेबस में शामिल हुआ ये विषय। कक्षा 6 में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करवाना सीबीएसई से एफिलिएटेड सभी स्कूल प्रबंधकों को अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की डिमांड के मुताबिक वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई बोर्ड की तरफ से 2024-25 में करवाई जाएगी। आपको बता दें कि वोकेशनल कोर्स 70% प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे और 30% इसमें थ्योरी होगी। आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा ये निर्णय रोजगार के महत्व और बच्चों में कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। बोर्ड ने 33 वोकेशनल कोर्स की सूची जारी की है, जिसमें बच्चे अपने मुताबिक किन्हीं 2 विषय का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नवादा पहुंचे पीएम मोदी ने गिनवाए अपने 10 साल के काम। अपने चुनावी प्रचार के लिए नवादा पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि मेहनत करने के लिए जन्मा है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जितनी तेजी से काम हुआ उतना किसी ने भी कभी कल्पना तक नहीं की थी। आपके वोट की ताकत ने देश को मजबूत सरकार दी है और उसके कारण ही देश आज मजबूत कदम उठा रहा है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत और बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। बिहार में आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें बन रही हैं। रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी पर तंज। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के बिहार में नवादा आने पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी ने कहा है कि वो आज आ रहे हैं तो आए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। रोहिणी ने पीएम मोदी को उनके वादे की याद दिलाते हुए कहा कि देश के युवा 2 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं, खाते में 15 लाख आने का जनता को बेसब्री से इंतजार है, जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए, जो वादा किया था उसका क्या हुआ। रोहिणी ने कहा कि सारण की जनता से उन्होंने वादा किया था कि यहाँ चीनी मिल लगवाएंगे और इस चीनी मिल में बनी चाय से चाय पीने के लिए सारण आएंगे। सारण की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है, उनको इस बार बढ़िया से चाय पिलाएगी। अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर प्रशांत किशोर ने कही ये बात। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में ये मुख्यमंत्री बनने आए हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप मुझे नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। हम सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं। हम ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखें। आगे उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हम देखना चाहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब समेत पूरे भारतवर्ष में एक दिन लोग बिहार में आकर रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो रहा है। आप भविष्य में किसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप नेता संजय सिंह का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से जाना एक बड़ा झटका था, इतिहास उनके साथ न्याय नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले एक साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में जमानत मिल गई है।
पप्पू यादव का तेजस्वी पर कटाक्ष। कांग्रेस में विलय के बावजूद भी पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े हुए हैं। कांग्रेस द्वारा उनसे अपना नामांकन वापस लेने को भी कहा गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपना नामांकन वापस लेने से मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर कटाक्ष भी किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वे लोग बीजेपी से समझौता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज तक मधेपुरा सीट खाली है, क्यों नहीं आप उम्मीदवार दे रहे हैं? मुकेश सहनी को आप साथ लिए, लेकिन जानबूझकर आपने उन्हें गोपालगंज जैसी सीट दी ताकि वे वहां से चुनाव जीत नहीं सके। सभी लोग जानते हैं कि गोपालगंज शुरू से ही बीजेपी की सीट है और वहां से भाजपा ही जीतती आ रही है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को भाजपा की बी टीम तक कह दिया है। क्या पप्पू यादव के इस बयान से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जॉस बटलर और संजू सैमसन के दम पर टॉप पर पहुंचा राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में जॉस बटलर और संजू सैमसन के दम पर टॉप पर पहुंचा राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में जॉस बटलर और संजू सैमसन की पारी के दम पर जीत का चौका लगाया है। राजस्थान ने अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी को 6 विकेट से धूल चटाई है। नंबर एक की कुर्सी पर राजस्थान ने जीत के साथ ही पॉइंट टेबल पर अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर ने शतकीय पारी के साथ ही राजस्थान की तरफ से खेला है। इन्होंने 58 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए, तो वहीं कैप्टन संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, एमडी अरमान, मोहम्मद साकिब हुसैन, नौसाद रजा, राम हृदय पंडित, राधे कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, रवि कुमार राम, दीपक कुमार, संघर्ष कुमार, अनवर करीम खान खान, दीपक कुमार, सादुल्ला पालवी, राकेश मिश्रा, रिंकी कुमारी, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप कभी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।